नमस्कार दोस्तों, किसानों की किसान गर्जना रैली आज 19 दिसंबर सोमवार को रामलीला मैदान में होने जा रही है। आपको बता दें कि आज जो ये रैली होने जा रही है, इसमें किसानों की 9 मुख्य मांगे हैं, जिसको लेकर आज हरियाणा प्रदेश के सभी गांव-गांव से लोग इकट्ठा होकर इस रैली में जाने के लिए अपने घरों से रवाना हो चुके हैं। सैकड़ों गाड़ियों और सैकड़ों लोगों के काफिले के साथ लोग रामलीला मैदान में वहाँ पहुँचेंगे और अपनी 9 मांगों के लिए सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि उनकी सभी मांगे मान ली जाए। किसानों का कहना है कि आज का जो उनका प्रदर्शन है काफी शांतिपूर्ण रहेगा और सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को माने। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय किसान। देश का हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत नहीं। हाँ जी, किसान गर्जना रैली आज रामलीला मैदान में। हाँ जी, रैली है किसान और बढ़ चढ़ कर किसान इकट्ठे हुए हैं। घनी गड्डी है, बादली है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, अपनी मांगे पूरी करेंगे। हाँ भाई साहब, किसान गर्जना रैली आप बादली हल्के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या कहेंगे? धन्यवाद संजय जी, बस इतना ही कहना है। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, ये हमारी जो मांगे हैं वो सरकार से बिल्कुल सीधी मांगे हैं और इनको जो है हम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपना रैली निकालेंगे और जो है इन मांगों को रखेंगे। हाँ जी, आर्य सत्यनारायण जी, आप किसान गर्जना रैली के लिए जा रहे हैं, तो किसानों की क्या प्रमुख मांगे हैं? किसानों की संजय भाई प्रमुख मांगे हैं लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य और सभी जो किसान के कृषि यंत्र हैं इन GST से बाहर रखा जाए और किसान का जो ट्रैक्टर है ये जो 15 साल में है इसको बाहर रखा जाए और ये जो किसानों के रसायनिक उर्वरक है ये वो आधारित है इस पर सब्सिडी दी जाए। धर्मवीर जी, किसान गर्जना रैली आप रामलीला मैदान जा रहे हैं, क्या मांगे हैं किसानों की और क्या तैयारियां हैं? हमारी तैयारियां बहुत जोर से है, कम से कम बादली खंड से 18-20 गाड़ियां यहाँ से निकल चुकी है और हमारी 9 मांगे हैं प्रमुख जी, जैसे लाभकारी मूल्य, ये अपने पशु बीमा है उसको थनों के हिसाब से लिया जाए परसेंटेज के हिसाब से, ट्रैक्टर हैं 15 साल से बाहर रखे जाएं,